किया है, वहीं पर गैर मुस्लिमों ने आश्रम भी किया है। ये हिंदुस्तान की तारीख है। जब मिलजुल करके लोग बैठते हैं, एक गंगा पे खड़े होते हैं, एक कुएं पे खड़े होते हैं, तो मुझे हिंदुस्तान के एक बड़े शायर का चार मिसरा याद आता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम लोग प्यार के रिश्ते रहे पाए, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, आज इसी मोहब्बत की जरूरत है, इसी हिम्मत की जरूरत है, इसी भाईचारे की जरूरत है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत लगे, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बुलंदियों पे जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क दूरी से पहचान लिया जाए, हमारी इत्तेहाद और इत्तेफाक की दीवारें जिंदगी के किसी मोड़ पे कमजोर न हो, तो कांधे से कांधे मिला के चलिए। अगर आपके कांधे पर हाथ रखने वाले आदमी, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, गैर मुस्लिम हो, अगर वो आपके साथ हमदर्दी का मामला करता है, तो यकीनन वो शख्स लायक इंतराम है, वो शख्स इज्जत के लायक है। जनाब, यहाँ पर कई तबाबर शख्सियात तशरीफ फरमा है। मैं सभी हजरात की मौजूदगी को सलाम करता हूँ और यहाँ पर बैठे हुए सभी हजरात को बेहद इज्जत और इंतराम की नजरों से देखता हूँ। यकीनन आप देख रहे हैं, एक आदमी गमछा रखे हुआ है, एक आदमी टोपी पहने हुआ है, एक हमारी कौन, एक हमारे बीच की बहन बैठी हुई है। ये लोग जब बैठते हैं तब जाकर के लगता है कि तिरंगा बैंगियों से उभरने के बाद कितना खूबसूरत नजर आता है। सिर्फ शब्दों से खेल करके, लफ्जों की बाजीगरी से, सिर्फ बातें बना करके कौम को बुलंदियों पर नहीं ले जाया जा सकता है, भारत के चरम सीमा पर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर इस मुल्क को खूबसूरत बनाना है, इस मुल्क को बुलंदियों पर ले जाना है, तो ऐसे ही मिलजुल करके सिख, ईसाई और हर और मजहब के लोग जब बैठेंगे, तब जाकर के ये मुल्क खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ से जो हमारे नेतागण बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे, किस तरीके से उन्हें पेश करना है, मैं इसके लिए जनाब प्रोफेसर नजरुल इस्लाम साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वो अपने हिसाब से लोगों को दावत कलाम दे। मैं इस बीच थोड़ी देर के लिए आपसे जमीन अब तक शकी आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।